हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर एस के निराला आज नए वीडियो के साथ। आज का जो टॉपिक है कैंडल डस्टिंग पाउडर के बारे में है और इसके बारे में बताऊंगा कि ये किन किन बीमारियों में, किन किन फंगल इन्फेक्शन में काम करता है। जैसा कि गर्मियों के मौसम में ज़्यादातर फंगल इन्फेक्शन वगैरह हमारे बॉडी में होता है और जहाँ पसीना का जमावड़ा होता है हमारे बॉडी में, वहाँ सबसे पहले फंगल इन्फेक्शन होता है। तो दोस्तों, इसको किस तरह से लगाया जाता है उसके बारे में बताता हूँ। दोस्तों, जहाँ फंगल इन्फेक्शन अगर आपके बॉडी में हो गया है, वहाँ पर पहले साफ़ कर लेंगे, पानी से साफ़ उफ करके उसके बाद ये डस्टिंग पाउडर जो है वहाँ पर लगाएंगे, ऐसे छिड़क करके लगाएंगे और दिन में दो बार सुबह शाम लगाएंगे। और हवादार ज़्यादा, जैसे बॉडी में टाइट जो कपड़ा होता है उस तरह का कपड़ा प्रयोग नहीं करेंगे, ढीला कपड़ा पहनेंगे और जो है कंफर्टेबल बॉडी में कपड़ा पहनेंगे। उससे क्या होगा कि तुरंत लगाने के ठीक होने के बाद भी तुरंत फिर फंगल इन्फेक्शन नहीं होगा, कम्प्लीटली ठीक हो जाएगा। दोस्तों, जैसे कि हमारे बॉडी में कहीं भी घमौरी टाइप का हो गया, दाने दाना हो गया, लाल रेशा वाला गोल घेरा वाला दाना हो गया, जांघों के नीचे भी लाल घेरा वाला दाना वाला हो गया, निकल गया, उसमें भी इसको प्रयोग करेंगे। ये तुरंत जो है राहत देता है, सुबह और शाम दो बार लगाना है। लगाने से पहले हमेशा याद रखेंगे कि वहाँ पर साफ़ कर लेंगे, पानी से साफ़ कर लेंगे जहाँ इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन है, उसके बाद ही डस्टिंग पाउडर का प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर मैं इसका कैंडिड टोटल जो वाइंटमेंट आता है उसके बारे में फिर अगले वीडियो में बताऊंगा। बस इतना है, थैंक यू।